कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे विधायकों को बिकाऊ कहने पर कृषि मंत्री कमल पटेल कमलनाथ पर बरस पड़े। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ की प्राइवेट लिमिटेड बनी कांग्रेस में नेताओं का दम घुट रहा है, इसलिए वह पार्टी छोड़ रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी, इसीलिए वह सदन में भी 35 करोड़ के ऑफर मिलने की बात कहकर दावा करने लगे थे कि उनके विधायक बिकाऊ नहीं हैं। लेकिन इसके बाद भी वे अपने विधायकों को रोक नहीं पाए, इसीलिए अब उन्हें बिकाऊ कहना शुरू कर दिया है। कमल पटेल ने सवाल किया कि कमलनाथ क्या यह कहना चाहते हैं कि पूरी कांग्रेस बिकाऊ है, वे अपनी पार्टी का अपमान कर रहे हैं। मंत्री कमल पटेल ने फिर दोहराया कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बचा है, कांग्रेस उद्योगपति कमलनाथ की प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गई है। इससे वहां जनप्रतिनिधियों का दम घुटने लगा और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह खत्म है। कांग्रेस के नेताओं को भी पता चल गया है कि प्रदेश में भाजपा का ही भविष्य है। सटिया गए असली में सरकार मुख्यमंत्री पद जाने के बाद यही कमलनाथ जी है जो पहले विधानसभा में सारा ठोक के कहते थे हमारे विधायकों को 35-35 लाख का करोड़ का ऑफर आ रहा है, 50 करोड़ का ऑफर आ रहा है, लेकिन हमारे कांग्रेस के विधायक एक भी बिकने को तैयार नहीं है। 50 करोड़ तो क्या 5000 करोड़ में नहीं बिकेंगे, ये कांग्रेस ही है। अब कोई कमलनाथ कांग्रेसियों को बिकाऊ कह रहे हैं कि हमारे विधायक बिक गए, बिकाऊ का उत्सव है तो कांग्रेस बिकाऊ है क्या? पहला प्रश्न ही होता है कांग्रेस के नेता बिकाऊ है क्या? और कमलनाथ जी खुद कह रहे थे कल तक तो कि हमारे लोग बिकाऊ नहीं है, 35 करोड़ का ऑफर आया है, मेरे पास खबर आई है, मेरे पास ये है। और इस तरह से ये अपने कहतन के बार-बार पलट रहे हैं बयान, बल्कि कांग्रेस के पास बोल रहे हैं कि हमारे पास फोन आ रहे हैं बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता कांग्रेस के विधायकों के पास फोन नहीं कर रहे, कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री वो बीजेपी के लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि हमको भी ले लो बीजेपी, हम भी इस्तीफा दे रहे हैं, बस टिकट की गारंटी दे दो, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी जीतने वाली है, अब हमेशा बीजेपी रहेगी, क्योंकि धोखा देकर एक बार जीत सकते हो बार बार नहीं। कमलनाथ जी कलंकनाथ किया कलंकित, बोले मैं राजनीति को कलंकित नहीं करना चाहता हूं। अरे तुमने राजनीति को कलंकित किया, मध्य प्रदेश को कांग्रेस को कलंकित किया, तुमने महिलाओं का अपमान करके कलंकित किया, तुमने जनता से वचन देकर धोखा दिया, तुमने मुख्यमंत्री बनते से कलंकित किया। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस बात का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। अरे वीरेन किसको जा रहा हो? दादा लोडिंग गाड़ी लेवे की सोच रहा हूँ, कागज पत्र जमा करवे जा रहा था बस। लोडिंग को का चंबल में तेरा है गो? नदियों में काहे तेराएंगे, नदी के किनारे सरपट दौड़ाएंगे प्रोग्रेस वे पे। रोड ही बनेगो ना, कोई जादू तो नहीं हो जाएगो? रोड बनत है ना, रोड के साथ साथ काम धंधों के नए मौके बनत है, फैक्ट्रियों खुलवे के नए रास्ता बनत है, किसानों को फसल बेच बे के लाने नई सुविधाएं मिलत है, स्कूल कॉलेज खुलत है, होटल मार्केट बनत है, इलाके को नक्शा बदल जाते दद्दा, जो तो 400 किलोमीटर को हाईवे है। अब पिछली सरकार ने तो बंद कर दो, मनु शिवराज मामा ने आके जाए फिर से प्रोग्रेस बना दो, जो हाईवे हमारे चंबल की भाग्य रेखा बनेगो। चलो भैया हमें ये लोन दिलवा दो हैं, प्रोग्रेस वे पे हम भी अपना होटल खोल लेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। किस्मत को भी भरोसा है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।